सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीषा और अबीरा के नाटक में फंसेगी रूही, जो सारे वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर दादीसा कहती है कि अबीरा को तुम्हें वापस घर लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर की और परिवार की इज्जत का सवाल है। वही देखने को मिलता है कि ये बात रूही सुन लेती है और अरमान के सामने गिड़गिड़ाते नजर आती है, अगर तुम इसे वापस ले आए उसके बाद हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे और अरमान असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन तभी होगा यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर सुन लेती है मनीषा ये सब कुछ कि रूही और अरमान का सच में अफेयर चल रहा था, उसका शक ऐवें ही नहीं था। जिसके बाद वो अबीरा के सामने यहाँ पर जो है उसको कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब अबीरा डिसाइड कर लेती है उसे क्या करना है। तो नए प्रोमो की झलक तो आपने देख ही ली होगी जहाँ पर अबीरा अरमान को जो है तलाक के पेपर समा रही होती है। लेकिन देखने को मिलेगा कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अरमान अबीरा को लेने के लिए दादीसा के कहने पर जा रहा था लेकिन अबीरा खुद ही वहां पर आ जाती है और कहती है कि दादीसा मैं रिश्ता निभाना चाहती हूँ, मैं ये 7 जन्मों के और 7 फेरों का रिश्ता निभाना चाहती हूँ दादीसा। जिसके बाद देखने को मिलता है कि रूही के होश उड़ जाते हैं ये जानकर और कहती है कि क्यों तुम्हारे साथ तो 3 महीने की डील थी और अगर तुम इस घर में वापस आ गई तो हमारे और अरमान का रिश्ते का क्या होगा, और ये शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं। और अबीरा यही सच तो घर वालों के सामने लाना चाहती थी और मनीषा और अबीरा का ये जो नाटक है वो काम कर जाता है और रूही उगल देती है सबके सामने कि वो अरमान से प्यार करती है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि अबीरा इस घर में रहे। और ऐसे तो अरमान भी दादी से सच बताने से रहा और इसी के साथ अबीरा ले आएगी रूही का असली चेहरा सबके सामने।